अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल नाज वर्ल्ड। ये मेरा सेकेंड व्लॉग है, आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग भी देखा होगा, अगर नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर उसका लिंक दे दूँगी। माशाल्लाह आपने फ़र्स्ट व्लॉग में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह मुझे सपोर्ट करें। आप लोग मेरा फ़र्स्ट व्लॉग ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैंने ईद का हिजाब ट्यूटोरियल पे बनाया है, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। ये आप ही के साथ मेला आ चुके, आप ही काफ़ी दिनों के बाद घर आई हैं, तो शिफा बोल रही थी मम्मा चलिए मुझे मेला जाना है, तो आप ही बोली चलो काफ़ी दिनों के बाद आई हैं तो शिफा को थोड़ा घुमा दें, नहीं घुमाएंगे तो आप बहुत रोती है वो, तो आप ही मेला लेके आ चुके। ये देखिए शिफा को लाइन पर लगा रहे हैं, अफ्तार के जस्ट बाद हम लोग निकल चुके थे। ये शिफा लाइन में लग गई है, ये देखिए झूले की तरफ, दूसरे झूले की तरफ ये सारा गर गई, एक झूला कम्प्लीट नहीं हुआ, दूसरे की तरफ लाइन लग गया। तो काफ़ी गर्मी थी मेले में और बहुत ज़्यादा क्राउड था क्योंकि अफ्तार के जस्ट बाद हम लोग निकले थे, हम लोग को जल्दी घर भी जाना था, तो इसीलिए हम लोग बोले कि चलो जल्दी निकल जाते हैं ताकि थोड़ा शिफा वानिया इंजॉय कर लेगी, फिर घर आना, फिर आप ही को घर भी जाना था। वानिया के भी सोचे थे इस राइड्स पे लेके जाने के, लेकिन नहीं लेके जा सके क्योंकि वो अलाउ नहीं था इतनी छोटी बच्चियों, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग, बड़े बड़े बच्चे सारे जंप कर रहे थे तो वो छोटी थी, उसे चोट लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग बोले कि नहीं ये बहुत ट्रिक्सी है वानिया के यहाँ लेके जाना। तो ये देखिए ये शिफा चढ़ रही है, सारे बच्चे एक उसके आगे एक उसके पीछे है, ये इसमें थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल होता है क्योंकि इतना बच्चे लोग जंप करते, ये बहुत मूव करता है, तो इसमें आप अगर बैलेंस कर लिए तो बहुत अच्छा। ये सारे देखिए ऊपर देख रहे सारे बच्चे कितना ये जंप कर रहा है सामने वाला, ये देखिए शिफा सेकंड आ चुकी है, शिफा को तो वाही वाह था, इतना इन्जॉय किया ना वो, आके रात में बहुत थक गई, अब बोली मम्मा मुझे तेल लगाइए। ये देखिए ये शिफा इधर से आ रही है, ये देखिए ये पापा की परी जंप करके आ रही है, पीछे से पापा का परा आ रहा है। सारे बच्चे इतने बदमाश होते हैं ना, सारे बच्चे के हम भी अपने वक्त में बदमाश थे। ये देखिए वानियम को इतना परेशान कर रही थी शिफा को देखकर कि मुझे भी जाना, इतना मतलब मेरी गोदी से लग रहा अब उतर जाएगी। फिर हम लोग ने बोला कि चलो ये छोटे वाली कार में है ना शिफा वानिया को बैठा दें ताकि इसमें बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें थोड़ा रिक्स नहीं है, इसमें थोड़ा डर था हम लोगों की वानिया को, पहले बार तो अलाउ नहीं था, अगर जाती भी तो फिर डर था कि कोई बच्चा जम। ये देखिए ये वानिया कार पर बैठ गई, खुद से कार स्टार्ट कर रही है, हम लोग को डर था कि वानिया रोएगी या फिर उसको डर लगेगा, लेकिन माशाल्लाह उसे ना तो डर लगा ना रोई वो, बल्कि उससे आगे जो बच्चा बैठ के था ना वो रोने लगा, हालांकि इसमें सबसे छोटी वानिया थी, लेकिन वो माशाल्लाह बच्चा मेरा इंजॉय कर रही थी मेरी जान। अब वो बीच में जो स्टैचू लगा हुआ है हनुमान का वो उसे देख रही थी, आस पास के राइड्स को देख रहे थे, बच्चे को देख रही थी, बिल्कुल इंजॉय कर रही थी वो, उसे डर नहीं लग रहा था। उम्मीद है कि आपको मेरा ये सेकंड व्लॉग भी पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसमें लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, और आगे भी इसी तरह मैं व्लॉग्स डालती रहूँगी और आगे भी आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।